गुड इवनिंग, मेरे प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, और मैं फिर बहुत दिनों के बाद अपना फेसबुक पेज पे आप सबको स्वागत है। जितने लोग भी मुझे देखते हैं, मैं फिर कुछ विषय पे बात करना चाहता हूँ हमारे प्रदेश की कुछ दो चार लोगों से। उससे पहले मैं कुछ लोग को बोल दूँ कि जो लोग मुझे हेट करता है, मैं सरकार के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना ही मैं तालो पुतुन के अगेंस्ट हूँ। मैं बस सच को बताता हूँ आप लोगों को। इस इतने कहने करने की वजह से आप लोग मुझे हेट करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना। मैं सरकार को अगेंस्ट करके या तालो पुतुम को अगेंस्ट करके चैलेंजिंग करके मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ना सपोर्ट करके मुझे कुछ मिलता है। मैं बस सच को बोलता हूँ, और सच जो होता है ना वो हमेशा कड़वा होता है। तो किसी किसी को मेरा सच कड़वा लगता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ, मैं हमेशा ऐसा बनाते रहूँगा। हम आप सबको याद होगा कि हमारा अरुणाचल में 17 तारीख 18 तारीख फेब्रुआरी में क्या हुआ था, यानी कि हमारे स्टेटहुड आने से पहले क्या हुआ था। आप सबको याद है कि उस पर एक बंद कॉल किया था, जो कि पूरा अरुणाचल प्रदेश की पब्लिक ने बंद कॉल किया था। तो सरकार ने मतलब उधर कुछ लोगों को हाथापाई हुआ, मतलब पुलिस एंड लेडीज लोगों के साथ ना, तो बहुत लोगों को जख्मी हुआ, और जितने लोग इंजोर्ड हुआ उनको सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपये मुआवजा देंगे, ऐसे कुछ सरकार ने खुद वादा किया था। पता नहीं 5 लाख तो दूर की बात, 5 रुपया भी नहीं दिया है। आप सब समझ सकते हैं कि हमारा सरकार कितना झूठ बोलता है, देखा देखी झूठ बोलता है। देखो 17-18 तारीख में जितना मतलब कोई भी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्ट्रेशन हुआ उसको खारिज कर देगा, कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। बोलने का बात बामन फ्लेक्स और मतलब क्या बोलेगा, मामा ना तुंगे पेमा करनो जी, लोग खुद बोले अपने मुँह से कि कहीं कोई केस रजिस्टर नहीं होगा। बोलने के बावजूद भी इंसान लोगों के ऊपर इतना केस रजिस्टर कर देते हैं, और जितने लोगों की इंजर्ड हुआ जितने लोगों को, उन लोगों को मुआवजा देगा बोला गया था ना, यानी कि जो भी मतलब ट्रीटमेंट वगैरह जो भी चार्ज आप लोगों को दिया जाएगा उसके लिए चिंता मत करो, 5 लाख या जो भी हो, लेकिन एक खाला पैसा नहीं दिया गया। देखो कितना झूठ बोलते हैं पब्लिक। आप लोग अंधेरा भी मत रहिए। हमारा एक नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था कि सबकी अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, बोल के आज तक नहीं आया। वैसे हाल है हमारा अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू के अगेंस्ट में। गिट गिट जो होता है ना चमेलियन, जो वो भी रंग बदलने के लिए एटलीस्ट 30-40 सेकेंड लेता होगा, लेकिन ये लोग उससे भी तेज रंग बदलता है, इतना फास्ट ना, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर में अपना रंग बदल देता है, इतना फास्ट है। ये मैं अपने बनाए मुँह से, अपने मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, जो सच है आप लोगों का सामने जो हुआ है वो बता रहा हूँ। इस चीज़ से भी लोगों को हर्ट होते हैं या परेशान होते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो सच बोलते रहूँगा। और दूसरी बात, हमारे कैपिटल के मजिस्ट्रेट तालो पुतुम जी को हमारे गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कुछ मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है लगता है, देख के बहुत अच्छा लगा। पता नहीं किस किस का प्रॉपर्टी सीज कर रहा था, इतना बड़ा बड़ा क्रिमिनल लोग का ऊपर प्रॉपर्टी सीज नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ कोई कुछ क्राइम किया ही नहीं उसका प्रॉपर्टी को सीज करेगा बोलने वाला। चलो अच्छी बात है, ये ऐसे तो होना ही था, आखिरकार सच का जीत तो होना ही है। और डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, उसको शायद तालो पुतुम जी को दिखा दिया गया गुवाहाटी हाईकोर्ट ने, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। डेमोक्रेसी में ऐसे होना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये 10 तारीख से लेकर 12 तारीख मतलब जो भी हो उधर बंद कॉल जो था 13 तारीख तक 72 आवर्स का जो बंद कॉल था ना तालो पुतुम जी, उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया था। हम मानते हैं बंद कॉल इलीगल है, लेकिन तालो पुतुम जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बंद कॉल में दो टाइप का होता है ना, एक जो होता है कि धरा के धमका के बंद कॉल करवाना, और दूसरा जो होता है कि विलिंगनेस अपने इच्छा से करना ना। और 10 तारीख से लेकर 13 तारीख का जो बंद कॉल में है, मेरे ख्याल से पब्लिक अपना विलिंगनेस से अपना इच्छा से बंद किया। हमने देखा सोशल मीडिया में आपने सबको जबरदस्ती दुकान खोलो ना, चिंता नहीं है, आदमी आएगा ना बोल रहा था, लेकिन किसी ने भी दुकान नहीं खोला है। इसे कहते हैं विलिंगनेस ना, इसके लिए आई थिंक उसको इलीगल डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। पर आपका हाथ में जो है आपने सब इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और